नमस्कार, जोहार सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। बात करेंगे एक एक विषय पे हम लोग, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस किताब के बारे में बता दूं। मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी। ये बहुत ही पतली सी बुक है, 200 पेजेस लगभग है इसमें, और हिस्ट्री की है, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण की। पीडी का आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन तमाम सेक्शंस की किताब मिल जाएंगे। मैं क्यों इस किताब के बारे में आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको पढ़ा तो जेपीएससी में पूछे गए सवाल, इस बार के भी और पहले के भी, और ये किताब 2008 की, बहुत पुरानी किताब है, ठीक है, इस बार के जेपीएससी का सवाल, उसके पहले का भी हिस्ट्री का जो सवाल है, डायरेक्ट मुझे इस किताब में मिला। अभी मैं यूपी पीसीएस दे करके आया हूँ, यूपी पीसीएस का भी एक दो क्वेश्चन एनसीएंट का, जो कि टफ माना जाता है, वो सारे पॉइंट्स इस किताब में लिखे हुए हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। और जेपीएससी इस साल होने वाला है, आज हो चाहे जब भी हो, इस साल होगा, तो ऐसे किताब आपको डेफिनेटली एक एज देंगे, ठीक है। तो मेरा काम है आपको बताना, आगे आपके ऊपर है, आप चाहे तो फॉलो करें ना करें। जो लोग परचेस नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, आप लोग परेशान ना हो। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से सवाल बनेगा, ठीक है, मैं उन सारे पॉइंट्स को अलग से हैंड रिटन फॉर्मेट में वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियोज़ के थ्रू। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आप इसका लाभ ले सकें। बहुत सारे लोग इसलिए लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनके साथ मैच नहीं करती है। तो ऐसे लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ कि आप करिएगा भी नहीं सब्सक्राइब, और हो सके तो डोंट रिकमेंड कर दीजिए चैनल को, ठीक है, ताकि मुझे भी आप लोगों से छुटकारा मिले। ऐसे क्या बोलते हैं, नैरो माइंडेड लोग मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मेरे चैनल में वो लोग रहें। कम ही सब्सक्राइबर हो, लेकिन क्वालिटी लोग रहें, ठीक है, जिनके सोचने समझने की शक्ति हो, जो सोच समझ सकते हैं चीज़ों को, अंधभक्त ना हो। ऐसे लोग अगर मेरे सब्सक्राइबर रहेंगे तो मुझे भी खुशी होगी, ठीक है, क्योंकि ये लोग कुछ कर भी सकते हैं, कि उनसे कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बाकी अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको कुछ समझ में ही नहीं आता है, ना पॉलिटिकली कुछ समझ में आ रहा है, ना इकोनॉमिकली कुछ समझ में आता है, बस अंधभक्ति में लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों सब्सक्राइबर बना के फ़ायदा भी क्या है। बाद में ये लोग डिक्टेट करेंगे कि मेरे हिसाब से वीडियो बनाओ, मेरे हिसाब से कम्युनिटी पोस्ट डालो, मेरे हिसाब से सारे काम करो, तो वो नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको अगर लगता है कि मैं बीजेपी का भक्त हूँ तो लगे, हूँ मैं भक्त, आप कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। और जिनको लगता है कि मैं जेएमएम का एजेंट हूँ, उनको भी लगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो लगता है लगे। इस चैनल पे जो भी बोला जाएगा, जो भी लिखा जाएगा, जो भी पढ़ा जाएगा, वो पूरी तरीके से वो मेरी इच्छा होगी, जो मेरा मन करेगा वो मैं करूँगा, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट में बोल दे रहा हूँ। जिसको सही लगे सब्सक्राइब करो, नहीं लगे आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे कमेंट में कहीं पे ज्ञान देने की कोशिश मत करना, मैं स्पष्ट बोल दे रहा हूँ। और जो ज्ञान देंगे फिर उनको मैं डबल फ्रिक्वेंसी के साथ दुगुना ज्ञान दूंगा, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि क्या बुरी खबर हो सकती है, ठीक है। ये इतनी बातें मैंने इसलिए बोली क्योंकि कुछ भक्त, अंधभक्त टाइप के लोग हैं, बिल्कुल अंधभक्ति में लीन, लेकिन दूसरे को ज्ञान देंगे, होता ना चोरी और एक सीना चोरी वाला, तो किसी और दिन डिटेल में उनकी क्लास ली जाएगी। अभी हम लोग काम की बात करते हैं। बुरी खबर क्या हो सकती है कि देखिए, सिलेबस को समरूप किया जा रहा है, और ये चर्चाएं बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में है, ठीक है। जितने भी सोर्सेस हैं, हर जगह से यही पता चल रहा है कि सीजीएल की वैकेंसी इसीलिए नहीं आ रही है, सिलेबस को समरूप किया जा रहा है। तो इसमें चिंताजनक बात मुझे ऐसा लगता है कि एक तो पहले से 60-40 है, लोग परेशान हैं कि कंपटीशन 2019 के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। ऐसे में अगर हिंदी और इंग्लिश का भी सिलेबस को ये लोग समरूप कर देंगे रीजनल लैंग्वेज के सिलेबस के साथ, तो ये तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा यहाँ के लोकल्स के लिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस जिस समय भाजपा की सरकार थी, रघुवर दास जी ने सिलेबस रिलीज़ करवाया था, वो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, हिंदी और इंग्लिश का बहुत कुछ पढ़ना है उसमें। और अगर कोई अभी स्टार्ट करे और वो सोचे कि मैं 2 महीना में कंप्लीट कर लूँगा, 3 महीना में कंप्लीट कर लूँगा, तो हो नहीं सकता है, असंभव वाली बात है। लेकिन अगर उसको कम कर दिया जाएगा और रीजनल लैंग्वेज के बराबर ला के खड़ा कर दिया जाएगा, तो डेफिनेटली डूएबल हो जाएगा, और कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्रॉब्लम आपका बढ़ेगा जो यहाँ के लोकल से। तो अगर ऐसी बात है तो ये चिंताजनक है, इसलिए मैंने इस बात को आपके साथ शेयर किया है। बाकी डेट को लेकर के जो लोग परेशान हैं कि कब वैकेंसी आएगी, ये भी मैं अपने हिसाब से आपको अलर्ट कर रहा हूँ, बाकी आप इसको माने ना माने आपके ऊपर है।
ये हो सकता है, देखिए एग्ज़ाम तो सितंबर में ही होगा, चाहे फर्स्ट वीक में हो चाहे लास्ट में हो, सब मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर में होने का प्रबल संभावना है। लेकिन सरकार हो सकता है ये सोच के रखी हो कि ये इस महीना भी वैकेंसी ना दे, अगले महीना भी ना दे, एग्ज़ामिनेशन से जस्ट 30-40 दिन पहले नोटिफिकेशन देगी, 20-25 दिन में फॉर्म भराएगी, एक सप्ताह के अंदर एडमिट कार्ड और फिर उसके बाद आपका एग्ज़ामिनेशन। अगर ये केस होता है कि 30 से 40 दिन में सारी प्रक्रिया करा के 41वां दिन में आपका एग्ज़ामिनेशन होगा, आप सोच के देखिए अगर ये चीज़ होता है तो बर्डन और प्रेशर कितना ज़्यादा आपके ऊपर बढ़ेगा उसी 40 दिन में आपको, क्योंकि अभी जब तक वैकेंसी नहीं आएगी लोग पढ़ना तो स्टार्ट करेंगे नहीं, पढ़ेंगे उतना सीरियसली नहीं पढ़ेंगे जितना सीरियसली उनको पढ़ना चाहिए। और जब उनको फाइनली पता चलेगा कि अब 30-40 दिन ही बचा है, सरकार ने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है, बहुत तेज़ी से काम होगा अब, तो प्रेशर तो बनेगा ही। उसी टाइम पे आपको मैथ्स, कंप्यूटर पूरा का पूरा, जीएस, करंट अफेयर्स, झारखंड लैंग्वेज, ये सारा चीज़ करना रहेगा। तो इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, डेफिनेटली आप लोग चिंतित होइए कि डेट कब आएगा नहीं आएगा, ये एक चर्चा का विषय होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अपने सिलेबस को भी धीरे धीरे कम करते जाइए, सिलेबस को भी देखते जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार कुछ और प्लानिंग करके बैठी है और आप उस ट्रैप में फंस जाएं। ठीक है, अलर्ट रहिए, मेरा ये कहना है कि सिर्फ बहुत सारे लोग हैं कह रहे हैं तो एग्ज़ाम होगा ही नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, सब फालतू है, तो इस ख्याल में अपने पैर पे ही आप लोग कुल्हाड़ी मारिएगा। ठीक है, तो अलर्ट रहिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, अगर आप CGL के लिए तैयारी कर रहे, झारखंड CGL के लिए, बाकी आपका कोई और एग्ज़ामिनेशन नहीं है, तो अपने सिलेबस को आप लोग हमेशा नज़र के सामने रखिए और उसको अचीव करिए धीरे धीरे। बाकी जो लोग चिंतित हैं, जिनको डाउट है मन में, मैं तो पहले भी बोला हुआ है, केंद्र में बहुत सारी वैकेंसीज है, आप उधर स्विच कर जाइए, वहाँ जाके तैयारी करिए, वो एग्ज़ामिनेशन दीजिए, कौन आपको रोका हुआ है? जब आप जान ही रहे हैं कि झारखंड में एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा, मत करिए तैयारी, आप जाकर केंद्र की तैयारी करिए और जॉब लीजिए, कोई आपको रोक नहीं रहा है, सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हिस्ट्री का, ये जो भी है, मैं वीडियोस के थ्रू आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर आप किताब नहीं ले सकते हैं तो, वरना जो लोग कैपेबल हैं आप लोग ऑनलाइन इसको परचेस करिए, अच्छी किताब है PD की। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।